Bye bye, Ivan. हाई गाइज़, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज है वीक डे और वीक डे की जो हमारी मॉर्निंग है वो शुरू हो चुकी है। मैं अपने पैटियो में बैठकर अपनी चाय इन्जॉय कर रही हूँ और बहुत ही टाइम बाद ना मैं मतलब ऐसे चाय पी रही हूँ बाहर बैठकर और साथ में व्यू को भी इन्जॉय कर रही हूँ। बस अभी जल्दी जल्दी में सब अपने ऑफिस चले जाएंगे, मेरा भी ऑफिस शुरू हो जाएगा, इवान भी अपने डे केयर चला जाएगा, तो ये वाला जो व्यू होता है वो मैं मिस कर देती हूँ हमेशा, क्योंकि सुबह इतना टाइम मिल ही नहीं पाता कि मैं ऐसे आराम से बाहर बैठकर चाय इन्जॉय कर सकूं। तो आज मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं अपना बाहर बैठूंगी और इस व्यू को इन्जॉय करूंगी और आपको भी दिखाऊंगी। तो इवान रेडी होकर बैठ गया है कार में अपने डे केयर जाने के लिए, तो सिद्धार्थ डे केयर में ड्रॉप कर देंगे इवान को अपने ऑफिस जाते जाते। और इवान ना जब जाता है डे केयर तो काफ़ी मतलब खुश खुश होकर ही जाता है, ऐसे रोकर नहीं जाता। लेकिन हाँ, मुझे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगता है कि उसको मुझे बाय बाय कहना पड़ता है, तो लेकिन चलो उसकी बेटरमेंट के लिए ही है और वो इन्जॉय करता है अपना वहाँ पर। तो ब्रेकफास्ट में ना मैंने अपने लिए बना लिया है ये बेसन वाले टोस्ट, तो इनको मैं चाय के साथ ले लूँगी और ये काफ़ी अच्छे बनते हैं, मतलब ब्रेड पकौड़े की तरह हैवी भी नहीं होते, लाइट ही होते हैं तो टेस्टी लगते हैं। तो मैं बस अपने डेस्क पर आ गई हूँ, साथ साथ में अपना ब्रेकफास्ट करूँगी और साथ साथ में अपना काम करती रहूँगी। आज ना मेरी काफ़ी मीटिंग्स भी हैं तो बस वो भी साथ साथ में मेरी चलती रहेंगी। आज का दिन मेरा इतना ज़्यादा बिजी रहेगा मुझे कोई आइडिया नहीं था, एंड जब से मैं अपनी सीट पे बैठी हूँ मैं बिल्कुल भी हिली भी नहीं हूँ। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जब काम कर रहे होते हो इतना ज़्यादा काम होता है कि आपको बीच बीच में आप उठने का टाइम भी नहीं मिल पाता। वैसे तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं बीच बीच में उठती रहूँ, कुछ ना कुछ करती रहूँ, सो दैट आप बैठे बैठे भी आप थक जाते हो, पर आज बिल्कुल भी नहीं हो पाया। तो बस अभी मैं किचन में आ गई हूँ और किचन वाइंड अप करूँगी, एंड मैंने लंच ब्रेक ले ली है अपनी, तो फटाफट से बस किचन वाइंड अप करूँगी, क्लीन करूँगी थोड़ी सी और डिशवॉशर को लोड करूँगी। किचन तो क्लीन हो चुकी है, अभी मैं बस जाऊंगी लॉन्ड्री रूम में और कुछ कपड़े मैंने ड्रायर के लिए लगाए हुए थे तो आज ना काफ़ी ज़्यादा लोड हो चुका, ये सेकंड लोड है, एक लोड मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ। तो बस शाम को जब मम्मी आएंगे मैं और मम्मी मिलकर इनको फोल्ड कर देंगे। तो जो भी घर के छोटे मोटे काम होते हैं ना वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, और मैं लंच ब्रेक लेती हूँ एक घंटे की, मुझे लगता है कि एक घंटा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन पता ही नहीं चलता वो कैसे निकल जाता है इन्हीं छोटे मोटे घर के कामों में। गाइज़ अभी आई एम बैक टू वर्क, एंड बाहर ना मैंने डी बॉट वगैरह लगा दिया है, तो अभी मेरी जब तक इवान नहीं आता है ना बाहर की सफाई हो जाएगी, शॉपिंग एंड ऑल वो कर देगा। क्योंकि जब इवान आता है ना तो इवान के सामने जब मैं उसको चलाती हूँ ना तो वो उसके ऊपर बैठ जाता है और उसको मज़े आते हैं उसके ऊपर बैठ कर, क्योंकि वो गोल गोल घूमता है और फिर इवान भी उसके ऊपर ऊपर बैठ के घूमता है, तो वो सफाई नहीं करने देता मुझे, तो इसलिए अभी मैंने वो चला दिया है। और जब तक इवान नहीं आता तो घर की जो क्लीनिंग है वो भी हो जाएगी, एंड किचन तो मैं वाइंड अप करके आ ही गई हूँ, तो बस अभी अपना काम करूँगी और इवान भी बस आने ही वाला है, थोड़ी देर में आ जाएगा वो भी। जल्दी जल्दी से बस मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। Wow, Ivan, you have a message.
इवान के मैंने कपड़े चेंज कर दिए हैं, और सिद्धार्थ ने ना आज इवान के लिए मैकडोनल्ड से फ्रेंच फ्राइज लिए थे, तो मैंने बस अभी उसको प्लेट में डालकर वो दे दिया है। और इसको फ्रेंच फ्राइज़ अच्छे लगते हैं, एंड ये ना बिज़ी हो गया है अपने लैपटॉप के साथ, ये इसका फेवरेट टॉय है, इसको इतना ज़्यादा पसंद है, मतलब काफ़ी काफ़ी देर तक इस टॉय के साथ खेलता रहता है। क्या हुआ? आपको पता नहीं था इसमें सॉन्ग भी बजता है? वाओ मम्मा, इसमें तो सॉन्ग भी बजता है। मैं और सिद्धार्थ ना अभी इंडियन ग्रोसरी शॉपिंग के लिए आए हैं, तो मैं यहाँ पर इतनी सारी कैंडीज़ देखकर ना, मतलब मुझे हैरानी भी हो रही थी और खुशी भी हो रही थी कि जो हम बचपन में कैंडीज़ खाया करते थे ना, वो यहाँ पर सब मिल जाएंगी आपको। और आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको यहाँ पर नहीं मिलता हो, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब वैरायटी है हर चीज़ की। और ये सेक्शन है पूरा परांठों का, इतने तरह के परांठे हैं यहाँ पर, आलू परांठा, मिक्स वेज परांठा, लच्छा परांठा, मतलब आपको जौन सा लेना है आप वो ले सकते हो। और इनको ज़्यादा कुछ करना भी नहीं होता, थॉ करो और तवे पे सेक कर खा लो, तो इतना कुछ टाइम भी नहीं लगता। तो मैं तो ना एक पैकेट अपने फ्रीज़र में रख ही लेती हूँ, जिस दिन कुछ मन ना करे बनाने का उस दिन परांठों को अपना थॉ किया और बना लिया, तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। और यहाँ देखो मिठाइयाँ भी आपको सब मिल जाएंगी और पैक्ड सब्ज़ी भी मिल जाती है, तो जिस दिन आपका नहीं मन करता उस दिन के लिए आप लेकर रख सकते हो। फटाफट से ना ये सामान सेट कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे डिनर की तैयारी भी करनी है। तो मैं ना वाइट छोले बॉईल करके गई थी, तो अभी सोच रही हूँ कुछ वाइट छोले का बनाऊँगी, देखती हूँ कुछ ग्रेवी या फिर ड्राई बनाऊँगी। छोले अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, अभी मैं सोच रही हूँ कि चना मसाला बना लेती हूँ ड्राई वाला। और सिद्धार्थ और इवान तो ना गए हुए हैं वॉक पर, अभी इवान को वॉक कराने लेकर आए हैं बाहर। इवान, यू वांट टू से समथिंग? हाय। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ चना मसाला। मैंने ना ऑयल को हीट कर लिया है, उसमें ऐड कर दिया है तेज़पत्ता, दो लौंग और एक छोटी इलायची, और इसमें ऐड किया है चॉप्ड अनियंस, एक चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, थोड़ी सी हींग ऐड कर दी है, और अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शाही जीरा, आप चाहो तो दूसरा जीरा भी डाल सकते हो। तो गाइज़ मेरे पास ना ये कुछ माइल्ड सालसा के बॉक्सेस पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा टोमेटो पेस्ट की जगह मैं इसी को यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें भी ना टोमेटो अनियन का पेस्ट ही होता है, तो इससे कलर भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और मेरा टोमेटो का भी जो काम है वो ये दे रहा है। तो बस इसको मैं अच्छे से चला लूँगी, ऐड करूँगी इसमें सॉल्ट, ऐड कर रही हूँ मैं इसमें देगी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और चना मसाला। अच्छे से इसको चला लूँगी, और मुझे ना थोड़ा मसाला ड्राई ड्राई सा लग रहा है, इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, सो दैट जो हमारे चने भी है ना वो भी बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई भी नहीं लगेंगे। तो बस अभी आप देख सकते हो जो तड़का है मेरा अच्छे से रेडी हो चुका है, इसमें मैं ऐड कर दूँगी हमारे वाइट छोले। ऐड कर रही हूँ मैं इसमें गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला और रेड चिली पाउडर, और मैं ना ऊपर से इसमें ऐड कर रही हूँ ये स्लिट की हुई ग्रीन चिलीज, और टोमेटोज और अनियंस को भी मैंने ना ऐसे रिंग फॉर्म में कट कर लिया है, इसको बस ऊपर से ना मैं ऐसे रख दूँगी एंड कवर करके मैं इसको कुक करूँगी। तो इसको बहुत ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना है, जस्ट फॉर 1 to 2 minutes, तो ये स्टीम में ही ना अपने आप अच्छे से कुक हो जाएंगे। और मैंने उसमें ऐड कर दी है थोड़ी सी कसूरी मेथी, तो बस हमारा जो चना मसाला है ना वो ऑलमोस्ट रेडी है। ऊपर से इसमें मैं डाल दूंगी लेमन जूस, तो ये चटपटा सा चना मसाला बहुत टेस्टी लगता है, इसको मैं बना लूँगी पराठों के साथ। तो अभी सबका मन है पराठे खाने का, तो बस मैं ना गर्मा गर्म पराठों के साथ चना मसाला सर्व कर दूंगी, और ट्रस्ट मी गाइस ये ना बहुत टेस्टी लगता है। ऊपर से मैंने इसको गार्निश कर दिया सिलेंट्रो के साथ। आज हमारा डिनर हो गया था, ये यमी यमी चना मसाला बहुत ही टेस्टी बना था। और कभी कभी ना मतलब ड्राई चना मसाला अच्छा लगता है रेदर देन ग्रेवी वाले छोले की जगह। गाइस यहाँ वाटरमेलन कंपटीशन चल रहा है। यू आर सो फास्ट।
ये दूसरा भी खा लिया मेरे पहले का। इवान यू लाइक इट? यू लाइक वाटरमेलन? इवान यू लाइक इट? अब इवान का है भाई, इवान खा रहा है तो अब इवान का है। कह रहा है आप और लेके आए हो, मुझे दो। Thank you. Like it? Yeah, good job. Ivan got a bigger piece. Yay. तो गाइस यहाँ पर इवान और डैडी का वाटरमेलन खाने का कंपटीशन चल रहा है और इवान ना बहुत ही इंजॉय करता है फ्रूट्स को। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसको फ्रूट्स खाना बहुत पसंद है। और बस आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ यहीं पे। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।